हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसर ट्यूटर्स। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 जो है ये स्टार्ट करेंगे ऑफ चैप्टर 3, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10th CBSE। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है एंड हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है, देन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें कुछ पेयर दिए हुए हैं लीनियर इक्वेशंस के, जिसे हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में ही देख लिया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमें एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करके बताना है एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स, सादा ये जो दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, सब क्वेश्चन 1 जो है वहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। सो हमने x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया है एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, एलिमिनेशन मेथड में हमें सादा एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो देखो, यहाँ पर अभी क्या दिया हुआ है, यहाँ पर x प्लस वाई दिया हुआ है, यहाँ पे 2x दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देखो स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 क्या दी हुई है हमें, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 दिए, इसे अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y विच इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 इज 10। सो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, इसे इक्वेशन नंबर 3 नंबर कर देना, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सेम 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे। देन उसके नीचे में इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारी, दैट इज 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, सेम हमने वो लिखा। अब देखो यहाँ पे, ये भी प्लस 2x है, ये भी 2 प्लस 2x है, हमें क्या करना है, इसे कैंसिल करना है। तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, साइन अपोजिट करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर क्या आ जाएंगी, ये माइनस की साइन आ जाएंगी, ये प्लस आ जाएगा और ये माइनस आ जाएगा। सो ये देखो, ये क्या हुआ, ये प्लस 2x है, ये क्या है, ये माइनस 2x है। तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब ये प्लस 2y प्लस 3y कितना होगा, प्लस 5y होगा एंड प्लस 10 माइनस 4 कितना होगा स्टूडेंट्स, प्लस 6 होगा। सो देयरफॉर हमारे पास में y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5 आ गई। अब यही ये जो y की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स हमारे पास में, इसे हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है, दैट इज x प्लस y इज इक्वल्स टू 5, इसमें हम ये y की जो वैल्यू आई है इसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास में, x प्लस y इज इक्वल्स टू 5 है, x एज इट इज लिखेंगे, y के जगह पे हमें 6/5 लिखना है। तो ये क्या आ गया हमारा, 6/5 इज इक्वल्स टू 5 आ गया। सो x इज इक्वल्स टू 5, अब ये प्लस 6/5 है LHS में, RHS में जाएगा ये क्या हो गया, माइनस 6/5 हो गया। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5 हुआ। अब क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, RHS में LCM क्या ले लेंगे, हम 5 ले लेंगे। तो ये क्या हो गया, 5 5 ज़ा 25, माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5 आया, ठीक है। सो 29 माइनस 6 कितना होता है स्टूडेंट्स, 19, सो क्या हुआ, 19/5 आया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आई, 19/5 आई एंड y की वैल्यू कितनी आई, 6/5 आई। ये हमने अभी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, अभी हम क्या करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स, कि कोई भी एक इक्वेशन है तो उसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे y के टर्म्स में, जिससे कि फिर हमारे पास में क्या आएंगी, y की वैल्यू फिर हम उससे फाइंड आउट करेंगे एंड देन वही y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सो देखो, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में यहाँ पर हमने क्या किया, जो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है, ये सेम एज इट इज़ हमारी इक्वेशन नंबर 1 है एंड ये 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, ये भी सेम एज इट इज़ हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है।
अब यहाँ पर क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है पहले y के टर्म्स में। सो इक्वेशन वन जो है उसके ही जो वेरिएबल्स थे वो हमने क्या किए, इंटरचेंज किए। तो x की वैल्यू कितने है, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस y। यहाँ पर प्लस y LHS में है, RHS में जाएगा, माइनस y होगा। सो ये क्या आया, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस y आया। इसे हमने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 3 दे दिए। अब यहाँ पर ये जो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस y आया है स्टूडेंट्स, इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे। मतलब इक्वेशन नंबर 2 क्या दी हुई है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, नाउ सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 5 माइनस y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या दी हुई है स्टूडेंट्स हमारे, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 दिए, 2 एज इट इज रहेगा। x के जगह पे हमें 5 माइनस y सब्सटीट्यूट करना है, तो ये क्या हुआ, 5 माइनस y इज इक्वल्स टू 4 आया, विच इज इक्वल्स टू 2 5 सा 10, माइनस 2 इंटू y इज माइनस 2y, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y होगा विच इज इक्वल्स टू 4, और ये प्लस 10 है LHS में, RHS में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, 4 माइनस 10, सो माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 6 हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पे। सो ये देखो, 5y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5y इज इक्वल्स टू 6, सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास में, 6/5 आया। अब y की वैल्यू यहाँ पर ये जो 6/5 आई हुई है, इसे ही हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में सब्सटीट्यूट करेंगे, जिससे कि फिर हमारे पास में x की वैल्यू आएंगी। सो नाउ सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या दी हुई थी स्टूडेंट्स हमें, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस y था, ठीक है। यहाँ पर अभी 5 माइनस 6/5 हम सब्सटीट्यूट करेंगे, जो कि हमारी यहाँ पे y की वैल्यू आई। तो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5 किए, विच इज इक्वल्स टू LCM, हमने क्या ले लिया, यहाँ पर 5 ले लिया, सो 5 5 सा 25, माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5, 25 माइनस 6 इज 19, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स हमारे पास में, 19/5 आई, ठीक है। सो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट सब क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है। इसी तरह से आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। सो बाकी के जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, एंड देन उसके बाद में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स सेकंड सब क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमसे क्या कहा है, 3x plus 4y is equals to 10 and 2x minus 2y is equals to 2 दिया हुआ है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3x plus 4y is equals to 10, इसे हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया, ठीक है। नाउ 2x minus 2y is equals to 2 दिया हुआ है, इसे हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 कर लिया कंसिडर। अभी हमें एक बार एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है यही सेम क्वेश्चन को, और एक बार हमें सब्सटीट्यूशन मेथड से करना है, ठीक है। सो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट बाय एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। सो यहाँ देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करना है, हमें कोई भी एक टर्म को कैंसिल करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है ना, इसे अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 सा 4 होता है। सो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, अगर हमने इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर लिखना पहले स्टेप में कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4, 2 बाय 2, इक्वेशन 2 को हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2x माइनस 2 इंटू 2y विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 है, सो 2 इंटू 2x कितना हो जाएगा, ये 4x माइनस 2 इंटू 2y 4y विच इज इक्वल्स टू 4 हुआ। इसे क्या करना स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लेना, ठीक है। एंड इक्वेशन नंबर 1 क्या दी हुई थी स्टूडेंट्स, देखो हमें 3x plus 4y is equals to 10 दी हुई थी। अब हमें क्या करना था, इसमें से एक टर्म को कैंसिल करना था, या तो x वाली या तो y वाली। अब यहाँ पर देखो, ये माइनस 4y दिया हुआ है एंड यहाँ पर ये प्लस 4y दिया हुआ है, तो दोनों कैंसिल हो रहे हैं आपस में, ठीक है। सो अगर हम ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 को, ठीक है। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, सो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स कैसा आएगा, इक्वेशन नंबर 3 तो हमने लिख लिया, हमारी क्या है 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4 है, एंड इक्वेशन नंबर 1 क्या है,
3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 है। एक टर्म को कैंसिल करना था, माइनस 4y प्लस 4y ये कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है यहाँ पर। एंड ये 4x प्लस 3x कितना होगा स्टूडेंट्स, 7x विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस 10 इज 14। सो देयरफॉर 7x इज इक्वल्स टू 14 आया, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना आएगा स्टूडेंट्स, 14 बाय 7, 7 टू सा 14 होता है, ठीक है। सो देयरफॉर स्टूडेंट्स हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। अब यहाँ पर ये जो x की वैल्यू 2 आई है, इसे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या दी हुई है स्टूडेंट्स हमें, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, ये क्या थी हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x के जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 3 इंटू x है तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 4y विच इज इक्वल्स टू 10, 3 टू सा 6 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, 4y इज इक्वल्स टू 10, माइनस 6 कैसा आया, अब LHS में प्लस 6 है, वही RHS में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या आया, 4y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। सो देयरफॉर 4y इज इक्वल्स टू 4 आया स्टूडेंट्स, सो देयरफॉर 4y इज इक्वल्स टू 4 लिखे, सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 4 बाय 4, 4 वन सा 4 होता है। सो देयरफॉर स्टूडेंट्स हमारे पास में y की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, ठीक है। सो देयरफॉर फाइनल आंसर लिखना है कि x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास में, 2 आई, एंड y की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, ठीक है। सो अभी यहाँ पर ये जो हमें लीनियर इक्वेशन दिए हुए थे, इसे अभी हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। अभी सेम यही जो पैर दिए हुए हैं लीनियर इक्वेशन के, इसे अभी हमें किससे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे, ये इक्वेशन से ही हम लोग पहले x की वैल्यू निकालते थे y के टर्म्स में, देन उससे क्या आएंगी हमारे पास में, y की वैल्यू फाइंड आउट करते थे उससे फिर हम, एंड देन उसके बाद में वो जो y की वैल्यू आई है उससे फिर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो नाउ अभी यही जो पेयर है लीनियर इक्वेशन के, इसे अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो नाउ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसे लिखना, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी हमारे पास में 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू जो 10 था, ये क्या है हमारा इक्वेशन 1 है, एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 है, ये क्या है स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन 2 है। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखो इक्वेशन 1 है, इससे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे y के टर्म्स में। सो ये क्या हुआ, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें यहाँ पे, तो 3x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4y है LHS में, RHS में जाएंगे, ये क्या हुआ, माइनस 4y हुआ, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो 3 यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3, ठीक है स्टूडेंट्स। या x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3 इक्वेशन नंबर 1 से, इसे हम क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो x की जो वैल्यू आई है 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3, इसे अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या दी हुई थी स्टूडेंट्स हमें, देखो 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ था, ठीक है। अभी यहाँ पर 2 एज इट इज़ रहेगा, x के जगह पर हमें 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3 सब्स्टिट्यूट करना है, सो 2 इंटू 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 को अंदर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के, सो 2 टेन सा 20 माइनस 2 फोर सा 8y डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। अब LHS में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 को LCM ले लेंगे, ठीक है। सो ये क्या हुआ, 20 माइनस 8y माइनस 3 टू सा 6, सो ये क्या हुआ, माइनस 6y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 2 हुआ 20। अब ये देखो माइनस 8y माइनस 6y कितना होगा, ये माइनस 14y विच इज इक्वल्स टू 3 को यहाँ पर लेके जाएंगे RHS में, तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3 टू सा 6 हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो ये क्या होगा, 20
माइनस सिक्स करेंगे हम, विच इज इक्वल्स टू माइनस 14y LHS में, RHS में जाएगा क्या हो जाएगा ये प्लस 14y, ठीक है। अब 20 माइनस सिक्स करेंगे स्टूडेंट्स हम, 20 माइनस सिक्स कितना होता है 14, सो 14 इज इक्वल्स टू 14y आया, सो देयरफॉर स्टूडेंट्स y इज इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 14 करेंगे, 14 वन जा 14 होता है, सो देयरफॉर स्टूडेंट्स हमारे पास में y की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है। अब यहाँ पर ये जो y की वैल्यू 1 आई है ना, इसे ही अभी हम इक्वेशन नंबर 3 जो था हमारा, दैट इज x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3 यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। सो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना, नाउ सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 क्या दी हुई है स्टूडेंट्स हमें, x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3 दिया हुआ है, y की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करें यहाँ पे, तो ये क्या गया 10 माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, 4 वन जा 4 होगा, सो ये क्या आया स्टूडेंट्स हमारे पास में देखो 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3, 10 माइनस 4 कितना होता है स्टूडेंट्स 6 होता है, विच इज डिवाइडेड बाय 3, 3 टू जा 6 आएगा, ठीक है। सो देयरफॉर स्टूडेंट्स हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 2y, सो देयरफॉर फाइनल आंसर में लिखना कि x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास में 2i एंड y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में 1 आई है, ठीक है। सो इसी तरह से स्टूडेंट्स आपका जो सेकेंड सब क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन, सो थर्ड क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7, सो यहाँ पर पहले लिख लो 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है एंड दूसरी कौन सी इक्वेशन दी हुई है हमें 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7, सो यहाँ पर देखो थोड़े जो डिजिट्स है उससे हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ाबेट्स वगैरह जो दिए हुए हैं टर्म्स इसे हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा। ये तो ये देखो ये क्या हुआ 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 आया, इसे क्या कर देना स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 दे देना एंड यहाँ पर देखो 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, इसे क्या करना इक्वेशन नंबर 2 दे देना, ठीक है। अब यहाँ पर इसे हमें एलिमिनेशन मेथड एंड सब्सटीट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, सो बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है स्टूडेंट्स हमें, इसमें अगर देखो हम यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर हमें, जिससे कि फिर यहाँ पर ये देखो ये 9x जो इक्वेशन नंबर 1 में है एंड इक्वेशन नंबर 2 में जो 9x है ये दोनों टर्म सिमिलर हो जाएगी, फिर उसके बाद में हमें देखना पड़ेगा वहाँ पर हमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पर सबसे पहले देखो टर्म्स कौन से सिमिलर होना पॉसिबल है, यहाँ पर हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो यहाँ पर ये 9x आ जाएगा एंड इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर ये 9x, तो ये टर्म सिमिलर हो जाएंगी हमारी, ठीक है। सो सबसे पहले स्टेप में तो यही आएगा कि सबसे पहले यही लिखना मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, सो 3 इंटू 3x माइनस 3 इंटू 5y विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3, सो 3 इंटू 3x, 3 3 सा 9 माइनस 3 5 सा 15 y विच इज इक्वल्स टू 4 3 सा 12, इसे क्या कर देना स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 दे देना, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 क्या दी हुई है स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो हमें 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, ये क्या है स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पर देखो ये प्लस 9x है ये माइनस 9x है, हमें या तो x वाली टर्म कैंसिल करनी है या तो y वाली। अब यहाँ पर अगर माइनस 9x रहता था तो ही हम क्या करते थे ये टर्म कैंसिल हो रही है x वाली, तो हमें यहाँ पर बेसिकली क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिखना नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 3 से, सो 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12, ये क्या है स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन नंबर 3 है एंड 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, ये क्या है हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये देखो साइन से इंटरचेंज हो जाएंगी ये माइनस का प्लस एंड यहाँ पर ये प्लस का माइनस, ठीक है। प्लस 9x माइनस 9x ये कैंसिल हो गया, ठीक है। माइनस 15y प्लस 2y ये कितना होगा स्टूडेंट्स माइनस 13y हुआ यहाँ पे, ठीक है।
माइनस 15y प्लस 2y माइनस 13y हुआ एंड 12 माइनस 7 करेंगे कितना आएगा हमारे पास में आंसर 5 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर देयरफोर y के वैल्यू माइनस 13y इज इक्वल्स टू 5y, सो देयरफोर y इज इक्वल्स टू 5/13, साथ में माइनस की साइन आएंगी यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, यही है जो y की वैल्यू आई है माइनस 5/13, इसे हम कहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, सो नाउ सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में भी आप y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बट मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिया हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पर। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 2 क्या दी हुई थी हमें, 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7 दिया हुआ था, 9x एज इट इज माइनस 2 इंटू y के जगह पे माइनस 5/13 सब्सटीट्यूट करना है। सो ये क्या हुआ, माइनस 5/13 इज इक्वल्स टू 7 9x। अब ये माइनस माइनस क्या हुआ स्टूडेंट्स, प्लस 5 2 10, सो ये 10 डिवाइडेड बाय 13 विच इज इक्वल्स टू 7। नाउ स्टूडेंट्स ये देखो यहाँ पर ये 9x प्लस ये माइनस माइनस प्लस हुआ, 5 2 10 10/13 इज इक्वल्स टू 7 आया। ठीक है, अब ये 9x एज इट इज़ विच इज़ इक्वल्स टू 7 माइनस 10/13 करेंगे हम। ठीक है, 13 यहाँ पर अगर हम LCM ले लेंगे तो 13 7 सा कितना होता है 91, सो 91 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 13 करेंगे हम, 91 माइनस 10 कितना होता है स्टूडेंट्स 81, सो 81 डिवाइडेड बाय 13 आया, सो देयरफॉर 9x इज इक्वल्स टू 81 डिवाइडेड बाय 13 आया। हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो यहाँ पर लिखना देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 81 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 9, 9 सा कितना होता है 81, सो ये कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर स्टूडेंट्स फाइनल आंसर लिखना कि x की वैल्यू कितना आई हमारे पास में 9/13 आई एंड y की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट्स हमारे पास में माइनस 5/13 आई है। ठीक है, अभी ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो गया है यहाँ पर, अभी सेम यही वाले जो लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं इसे अभी हमें सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, सो नाउ बाय सब्सटीट्यूशन मेथड सो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 जो हमने प्रीवियस एलिमिनेशन मेथड में कंसीडर किया था वही हमारे इक्वेशन नंबर 1 आएंगे, दैट इज 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, यही क्या है सेम हमारे इक्वेशन नंबर 1 है, एंड 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7 ये क्या है हमारे इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे y के टर्म्स में, सो इक्वेशन नंबर 1 क्या दिए हुए स्टूडेंट्स 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 दिए हुए हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें, सो ये 3x एज इट इज विच इज इक्वल्स टू 4। अब माइनस 5y है LHS में, RHS में जाएगा तो ये क्या हुआ प्लस 5y। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे क्या कर देना आप, इक्वेशन नंबर 3 दे देना। अब यहाँ पर ये जो x की वैल्यू आई है डेट इज 4 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3, इसे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे। सो नाउ सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या दी हुई है स्टूडेंट्स हमें, 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है, 9 इंटू x का वैल्यू कितना आएगा 4 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, 9 को ब्रैकेट के अंदर में हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 9 4 36 प्लस 9 5 45y डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7 आया स्टूडेंट्स यहाँ पर। अब LHS में हम क्या करेंगे 3 को LCM ले लेंगे, सो ये क्या हुआ 36 प्लस 45y माइनस 3 2 6y डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 7 आया। 45y माइनस 6y करेंगे स्टूडेंट्स अगर हम, तो हमारे पास में कितना आता है ये 39y आता है विच इज़ इक्वल्स टू 3 को RHS में लेके जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम, सो 7 3 सा कितना होता है 21, सो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स 39y इज इक्वल्स टू 21 माइनस 36। ठीक है, अब ये 39y इज इक्वल्स टू 21 माइनस 36 कितना होता है 36 माइनस 21, 6 माइनस 1 5 3 माइनस 1 15, सो y की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो
सो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो -15, सो देयरफॉर वाई इज इक्वल्स टू -15 डिवाइडेड बाय 39 आया। अब देखो स्टूडेंट्स ये 3 से कैंसिल होता है, ये 3 फाइव सा 15, 3 वन जा 3 एंड 3 थ्री जा 9, ठीक है। सो देयरफॉर स्टूडेंट्स फाइनल हमारे पास में वाई की वैल्यू कितनी आई है, -5/13 आई है। सो नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो y की वैल्यू कितनी आई थी, -5/13 आई थी। इससे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे। सो नाउ सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू -5/13 इन इक्वेशन 2। सो यहाँ पे देखो इक्वेशन 2 क्या दी हुई है स्टूडेंट्स हमें, 9x-2y इज इक्वल्स टू 7 दी हुई है। 9x एज इट इज रहेगा -2 इंटू y की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करना है यहाँ पे हमें, -5/13। सो 2 × -5/13 इज इक्वल्स टू 7, सो देयरफॉर 9x इज इक्वल्स टू -, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस हो जाएगा, 2 × 5 = 10 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल्स टू 7 आया। 9x इज इक्वल्स टू 7 एज इट इज रहेगा प्लस 10/13 LHS में है, RHS में जाएगा, ये क्या हो गया -10/13 होगा। सो 9x इज इक्वल्स टू 7 -10/13, सो 9x इज इक्वल्स टू 13। यहाँ पर अगर हम LCM ले लेंगे तो 13 × 7 - 10 डिवाइडेड बाय 13 हो जाएगा ये। सो देयरफॉर 9x इज इक्वल्स टू 13 × 7 = 91 होता है। सो 91 - 10 डिवाइडेड बाय 13 करेंगे हम, 9x इज इक्वल्स टू 91 - 10 कितना होता है स्टूडेंट्स, 81। सो 81 डिवाइडेड बाय 13 होगा ये। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 81 डिवाइडेड बाय 13 एज इट इज रहा, यहाँ पर 9 मल्टीप्लीकेशन में है, RHS में आएगा तो ये डिवाइड में चले जाएगा, डिविजन में चले जाएगा। सो ये कैसा आया, x इज इक्वल्स टू 81 डिवाइडेड बाय 13 × 9 आया। अब 9 × 9 = 81 होता है, सो देयरफॉर स्टूडेंट्स हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आई, 9/39। सो फाइनल आंसर लिखना है यहाँ पर, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 9/13 एंड y इज इक्वल्स टू -5/13, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से हमारा जो थर्ड सब क्वेश्चन है वो भी सॉल्व होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स फोर्थ सब क्वेश्चन। सो फोर्थ सब क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, x/2 + 2y/3 इज इक्वल्स टू -1 एंड x - 3y/3 इज इक्वल्स टू 3। सो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स जो इक्वेशंस दी हुई है वो फ्रैक्शन में दी हुई है, तो इसे हमें क्या करना है, सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना है। सो पहला क्या दिया हुआ है हमें, x/2 + 2y/3 इज इक्वल्स टू -1 है, एंड दूसरा क्या है हमारे पास में इक्वेशन, x - y/3 इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। सो इसे हमें सबसे पहले अभी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। सो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स पहले वाले में हम क्या करेंगे, LCM 6 ले लेंगे, 6 आ गया यहाँ पर। सो x/2 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हुआ 3x/6 आएगा, प्लस जो 2y/3 है इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया हमारा 2 × 2 = 4 होता है। सो ये 4y/6 आएगा विच इज इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पर ये जो 6 है वो यहाँ पर RHS में जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये क्या आया स्टूडेंट्स, 3x + 4y इज इक्वल्स टू -6 आया, ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। एंड सेकेंड इक्वेशन देखो यहाँ पे x - y/3 दिया हुआ था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे LHS में 3 को LCM ले लेंगे। सो ये क्या हुआ हमारा 3x - y/3 इज इक्वल्स टू 3 हुआ। अब यहाँ पर जो LHS में 3 डिवीजन में है वो RHS में जाके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, सो ये क्या आ जाएगा 3x - y इज इक्वल्स टू 3 × 3 = 9। सो ये क्या हो गई स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब सबसे पहले यहाँ पर ये जो दो लीनियर इक्वेशन फॉर्म हुई है इसे हमें एलिमिनेशन मेथड एंड सब्सटीट्यूशन मेथड दोनों मेथड से सॉल्व करना था स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो बाय एलिमिनेशन मेथड लिखना पहले, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये -y है, यहाँ पर +4y है। सो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में 4 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, सो ये क्या हो जाएगा -12x - 4y इज इक्वल्स टू 36 आ जाएगा। सो ये -4y ये +4y डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे। सो इसलिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स अभी हम इक्वेशन नंबर 2 जो है उसे डायरेक्टली हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/4। सो इक्वेशन 2 क्या दी हुई थी स्टूडेंट्स हमें, 3x - y इज इक्वल्स टू 9 दिए, इसे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 4 × 3x - 4 × y इज इक्वल्स टू 9 × 4। सो ये क्या आया 3 × 4 = 12x - 4y इज इक्वल्स टू 9 × 4 = 36। इसे क्या कर देना स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लेना। इक्वेशन नंबर 1 क्या दी हुई थी स्टूडेंट्स हमें, 3x
प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 6, ये क्या है हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, माइनस 4y प्लस 4y डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मतलब कि यहाँ पर क्या करेंगे, हम एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 एंड 3 को हम ऐड कर देंगे। तो ये क्या आया, 12x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 36 आया। एंड यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 6 है। तो ये प्लस 4y माइनस 4y ये कैंसिल हो गया। 12x प्लस 3x कितना होगा स्टूडेंट्स, 15x विच इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6 करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर 30 आएगा। सो 15x इज इक्वल्स टू 30 आया स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्या हुआ, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 30 बाय 15। सो 15 टू सा 30 होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देयरफॉर हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 2 आ गई। अब यहाँ पर ये जो x की वैल्यू 2 आई है, इसे अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। सो नाउ सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या दी हुई थी स्टूडेंट्स हमें, 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9, ये क्या था, इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ था। यहाँ पर x की वैल्यू तो 2 सब्सटीट्यूट करनी है, सो ये क्या आया, 3 इंटू 2 माइनस y इज इक्वल्स टू 9, सो 3 टू सा 6 माइनस y इज इक्वल्स टू 9, सो माइनस y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6। अब माइनस y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6 कितना होता है स्टूडेंट्स, 3 होता है, यहाँ पर माइनस की साइन है। सो देयरफॉर स्टूडेंट्स y की वैल्यू कितने है हमारे पास में, माइनस 3 आई। सो फाइनल आंसर लिखना है यहाँ पे, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 3 आया हमारे पास में, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी यही सेम लीनियर इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करते वक्त भी स्टूडेंट्स, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 6 ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, एंड 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9 ये क्या है, हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो चलिए इसे भी हम एक बार लास्ट टाइम सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। सो बाय सब्सटीट्यूशन मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड में भी देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 6, इक्वेशन नंबर 1 है ये हमारी, एंड 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9 ये क्या है हमारी, इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 3 से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे y के टर्म्स में। तो ये क्या हुआ, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 6 ये दिया हुआ है। सो 3x इज इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 4y, सो देयरफॉर स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या आई हमारे पास में, माइनस 6 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3 आई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ये जो x की वैल्यू आई है माइनस 6 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3, इसे अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देना, दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, नाउ सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या दी हुई है स्टूडेंट्स हमें, 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 एज इट इज रहेगा, x की जगह पे हमें माइनस 6 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3 आया, विच इज इक्वल माइनस 9 इज इक्वल्स टू 9 आया। अब यहाँ से देखो ये 3 3 कैंसिल हो गए, ठीक है, माइनस 6 माइनस 4y माइनस y इज इक्वल्स टू 9 है, माइनस 6। अब यहाँ पर माइनस 4y माइनस y कितना होगा स्टूडेंट्स, ये माइनस 5y इज इक्वल्स टू 9 आया, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये देखो ये माइनस 5y एज इट इज विच इज इक्वल्स टू, अब ये 9 है माइनस 6 LHS में है, RHS में जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, 9 प्लस 6 कितना होगा स्टूडेंट्स, 15 होता है। सो माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15 आया, सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू माइनस 15 बाय 5 आया, 5 3 सा 15 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर स्टूडेंट्स हमारे पास में y की वैल्यू कितनी आई है, माइनस 3 आई है। अब यहाँ पर ये जो y की वैल्यू माइनस 3 आई है ना, इसे ही अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो नाउ सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू माइनस 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या दी हुई थी स्टूडेंट्स हमें, देखो 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9 दी हुआ है। सो 3x एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 9, y की वैल्यू माइनस 3 सब्सटीट्यूट किए, 3x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9 हुआ, 3x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 प्लस 3 LHS में है, RHS में जाएगा, ये क्या हुआ आपका माइनस 3।
सो 3x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 इज 6, सो देयर फोर 3x इज इक्वल्स टू 6 है, सो देयर फोर x इज इक्वल्स टू 6/3 करेंगे, 3 2 सा 6 होता है, सो देयर फोर स्टूडेंट्स हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है, फाइनल आंसर लिख लेना, सो देयर फोर x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसी तरह से एक्सरसाइज 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट होता है। आज के वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही, एंड स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज देन डू मैसेज इन दी कमेंट बॉक्स। थैंक यू।